तो हमारे साथ एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, आज हम उनसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे. वो क्या सोचती हैं एज अ यंग गर्ल, तो आप प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए और बताइए कि आप के क्या सपने हैं, आप आसपास जो हो रहा है उसके बारे में कैसा फील करती हैं. हेलो, आई एम पायल. मैं एक स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कर रही हूँ. अभी मेरा लास्ट ईयर है और ग्रेजुएशन मैं कर रही हूँ DAV कॉलेज अबोर से BCA के अंदर. तो अभी मेरे प्लेसमेंट्स इवेंट्स चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं. अदरवाइज मैं स्पोर्ट्स भी करती हूँ और NCC के अंदर भी हूँ. स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग की है मैंने 6 साल, स्टेट में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ बॉक्सिंग के अंदर. और अब क्विट कर दी क्योंकि इतना सारा कुछ एक साथ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि डांस भी करना होता है, NCC का भी है. तो क्योंकि NCC में कैंप्स होते हैं और उधर बॉक्सिंग के मैच आ जाते हैं, तो दोनों में से एक ही चीज़ हो पाएगी, तो इसीलिए बॉक्सिंग कर रही हूँ. और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आजकल चीज़ें चल रही है, जैसे जेंडर बेस्ड बायस चल रहा है. उसमें यह है कि कहीं जगह सिर्फ लड़कियों को प्रमोट कर रहे हैं और कहीं जगह सिर्फ और सिर्फ लड़कों को प्रमोट कर रहे हैं. तो आज जिनसे मैं मिली हूँ वो अपनी क्लासेस लगा रहे हैं एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए. तो वो ये चीज़ कह रहे हैं कि ये क्लासेस के थ्रू वो बनना चाहते हैं, कि मतलब पॉलिटिक्स में अच्छाई लाना चाहते हैं. बट मेरे थॉट्स ये हैं कि पॉलिटी जो है ना वो सिर्फ अच्छाई से नहीं चल सकती, क्योंकि अगर किसी को कंट्रोल करना है उसके लिए आपके पास पावर होनी चाहिए. और पावर सिर्फ अच्छाई से नहीं आएगी, सिर्फ बातों से पावर नहीं आएगी, किसी को समझाने से पावर नहीं आएगी. तो उसके लिए आपको मनी चाहिए और कोई रोक चाहिए, कि मतलब जिससे लोग डरे, जिससे वो आपकी बात माने. ये नहीं कि आप कोई गलत बात मनवाओ, पर अगर आपको सही बात भी मनवानी है ना, इतने करोड़ों को मनवानी है, तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई दबदबा चाहिए जिससे वो आपकी बात माने. तो आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं कि पॉलिटिक्स को सुधारना है, पर पॉलिटिक्स इतनी जल्दी इंडिया में तो मतलब इम्पॉसिबल टाइप है. जस्ट एक लिटिल बिट होप है कि शायद चेंज हो जाए. अच्छा पायल, आपके हिसाब से एक अगर 21 साल की एक लड़की आप हैं, और आपके हिसाब से राजनीति लड़की के हिसाब से कैसी होनी चाहिए? लड़की के हिसाब से कैसी होनी चाहिए, या आपके क्या मुद्दे होंगे? इसमें लड़का और लड़की होना ही नहीं चाहिए. इसमें टोटली ये होना चाहिए ना कि पीपल जिनको ज़रूरत है या जिनको जिस चीज़ की कमी है उसको ग्राउंड लेवल पे चेक किया जाए. ये नहीं कि आप लोग कोई अंदाज़ा लगा लो. फॉर एग्जांपल जैसे अब रिजर्वेशन है, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चलवाई थी क्योंकि उस टाइम जो SC लोग के पीपल्स है ना उनको अछूत मानते थे, उनके पास कोई जाता नहीं था, तो उनको अपने एरिया में लाने के लिए चलाई थी ताकि वो आ जाए. उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि ये सिर्फ 10 साल के लिए चलेगी, ताकि उस टाइम तक जो पीपल यहाँ लेवल पे है, हम लोग यहाँ पे थे, तो जो पीपल यहाँ पे है वो यहाँ पे बराबर आ जाए. कुछ तो आएंगे ना, कुछ तो उनका भला होगा. बट अनफॉर्चुनेटली 1956 में उनकी डेथ हो गई. अब इसको पॉलिटिक्स वाले कैसे यूज़ कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, कि ताकि उनको वोट्स मिलने लगे. तो पर इसमें क्या है, रिजर्वेशन होनी चाहिए पर उनके लिए होनी चाहिए ना जिनको नीड है. ये कर रहे हैं सिर्फ कास्ट बेस, और आजकल तो इतना है भी नहीं कि कास्ट बेस लोगों को बुलाते. ये नहीं कह रहे कि नहीं है, बट 100 में से 20-30% है कि कास्ट बेस अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. डिस्क्रिमिनेशन इतना है ही नहीं, क्योंकि पीपल इतने तो एजुकेटेड हैं कि उनको ये छूत अछूत का पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक काम है उनका. अगर वो ना करेंगे तो आप कर लोगे? तो दैट्स अ देयर जॉब. हम भी तो कुछ खाने के लिए कुछ, मतलब अपने को अगर खाने के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ कमाना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा. तो वो सिर्फ उनका काम है, ये नहीं है कि वो ये काम कर रहे हैं तो वो लोग गलत हो गए. बट अब ये मतलब जो रिजर्वेशन है ना वो इस बेस पे होनी चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे चेक करें कि किसको रियल में नीड है. जैसे अब कोई जनरल कास्ट का मतलब जनरल वाले हैं, उनमें भी बहुत ऐसे हैं जिनके घर पे एक टाइम का खाना नहीं बनता, और जो SC वाले हैं उनके घर पे ACs लगे हुए हैं. तो पर सरकार को क्या पता, सरकार अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही है ताकि उनकी हेल्प हो, बट उन तक पहुंच ही नहीं रहा जिनको ज़रूरत है, उन तक पहुंच ही नहीं रही चीज़ें. तो फिर क्या इम्प्रूवमेंट? पायल, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि अगेन एज यंग वुमेन, हम क्योंकि सबके सच अलग अलग होते हैं, आपको आपका अनुभव महिला, हम सेफ्टी की बात करें क्योंकि अब हम सब जगह आते जाते हैं आराम से,
कुछ घरों में कुछ क्या अच्छे बड़े तबके में आज भी महिलाओं को घर से निकलने में पाबंदी है, बट लेट्स से आपके और मेरे घरों में आज़ादी है, आपने भी फेस किया होगा कुछ, तो आपका उसको लेकर क्या है कि एक लड़की होने के कारण जो आपने डिस्क्रिमिनेशन वॉयलेंस कुछ भी प्रकार का जो डिस्कम्फर्ट है वो फेस किया होगा, तो आपके क्या? मैंने डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं फेस किया बट डिस्कम्फर्ट जरूर फेस किया है, क्योंकि मतलब वो ये नहीं चाहते कि लड़कियां पीछे रहे, वो ये चाहते हैं कि लड़कियां प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए वो लड़कियों को रोक रहे हैं, क्योंकि मतलब लड़के की इज्जत गई तो चलेगा, पर घर वाले लड़की को अपना सिर का ताज मानते हैं, तो अगर उसकी इज्जत गई तो पूरी फैमिली की इज्जत गई। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, पर ये वो लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने सिर्फ एक बाउंड्री बना दी। वो बाउंड्री ऐसे नहीं बनानी चाहिए, उनको ये करना चाहिए ना कि बॉयज को इस चीज़ में एजुकेट करे कि आप कंपेयर कर लो यार, और कुछ मत करो, आप एक जगह अपनी बहन को रख लो, अपनी मम्मा को रख लो, और एक जगह दूसरी लड़की जिसके साथ आप कुछ गलत करना चाह रहे हो उसको रख लो। अगर आप अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मा के साथ, अपनी बहन के साथ ऐसा होता देख सकते हो ना, उसके साथ दिल खोल के जो करना है करो, बट अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता नहीं देख सकते ना, तो उसकी तरफ आँख उठाने का आपको कोई हक नहीं है। मेरे फ्रेंड्स हैं तो मेरा सिर्फ उनसे ये कहना है, आप फीमेल फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ ओपनली बात करो, चलेगा, बट जब आपकी बहन ये कर रही है तो आप उसको क्यों रोक रहे हो? अगर आपको करने का हक है तो उसको भी करने का हक है। मेरी मम्मा ने तो मुझे यही सिखाया है कि अगर मुझे लड़कों से बोलने का हक है तो मेरे भाई को भी लड़कियों से बोलने का हक है। अगर मेरे भाई को लड़कियों के बारे में गलत नहीं सोचना, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना, तो मुझे भी अपने आप पे कंट्रोल करना है कि मुझे भी, अगर वो लड़का है तो ये मतलब नहीं है कि मैं उसके साथ रूड हो जाऊंगी, उसके साथ मिसबिहेव करूंगी। तो चीज़ें ये ग्राउंड लेवल पे बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। लड़कों को क्या है, मैंने देखा है लड़के अपनी बहनों के लिए, अपनी मम्मा के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है कि हाँ इनको तुमने देखा तो देखा कैसे, और वैसे ही वो दूसरी साइड एक लड़की को छेड़ दे। तुम छेड़ना चाहते हो तो तुम छेड़ो, ठीक है, पर अपनी मम्मी और को कोई छेड़ रहा है तो तुम्हें गुस्सा करने का कोई हक नहीं, क्योंकि तुम भी तो किसी की माँ या बहन को छेड़ रहे हो ना। तो जस्ट कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो किसी और पे कंट्रोल मत करो। कुल मिलाकर बराबरी की तरह अगर आप अपने घर की, अपने इर्द गिर्द की औरतों को सुरक्षित करते हैं तो आपको दूसरी लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो अगर सिर्फ इतना सा चेंज आएगा ना कि मतलब वो जिस लड़की के बारे में गलत करने का सोच रहे हैं, अगर वहाँ पे अपने पेरेंट्स या किसी फैमिली मेम्बर को रखेंगे ना, तो ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। मतलब ये बोल रहे हैं ना कि खत्म होने के चांसेस, सिर्फ इतना सा चेंज आ जाएगा ना उनकी थिंकिंग में तो चीज़ें खत्म ही हो जाएंगी, दिखेगी नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए अपने पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। रेयरली चार से 100 में से 1 या 2% ऐसे होते हैं जिनको अपनी फैमिली में, अपनी मदर सिस्टर से कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं होगा, सारी लाइफ उनके साथ स्पेंड किया है, उन्होंने आपको पाला है, तो कुछ तो कनेक्शन होता है ना, कुछ तो किसी के लिए तो कुछ फीलिंग। गर्लफ्रेंड ही ले लो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को किसी कोई और लड़का आपकी गर्लफ्रेंड को देखे तो आपको कितना बुरा लगता है कि हाँ भाई तूने क्यों देखा, तूने उस पर कमेंट क्यों पास किया। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप क्यों किसी और की गर्लफ्रेंड पे कमेंट पास कर रहे हो? तो जस्ट एक ये लिटिल बिट कंपैरिजन करना आ जाएगा ना, तो चीज़ें चेंज होने लगती हैं। इसको शायद एम्पैथी कहते हैं कि अगर आप जैसे अपने अपने लोगों के बारे में सोचते हो, आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो। इतना सा करोगे ना तो मतलब बहुत चीज़ें चेंज होगी, और ये चीज़ें ना मतलब पेरेंट्स भी सिखाते हैं, तो भी स्कूल्स में आजकल ना सिर्फ एजुकेशन रह गई है, जो मतलब बेसिक थिंग्स है ना वो कोई देता ही नहीं, क्योंकि जैसे ये हो गया कि मतलब बताएं कि अब आपको मतलब ये सिर्फ लड़कियों को सिखाया जाता है कि रात को घर से बाहर ना निकलो, घर पे रहो, कम हंसो, कम बोलो, कम करो, सब कुछ। आप लड़कों को भी ये चीज़ सिखाना शुरू करो ना कि अगर कोई लड़की आपके पास से जा रही है तो उसको शर्म नहीं आनी चाहिए आपके पास जाते को, शी शुड फील सेफ। क्या बात है, तो उसको भी आपके पास से जाते ये फील होना चाहिए ना, ताकि उसको भी लगे ना कि उसको भी जीने का, आप सभी को जीने का ना बराबर हक है, तो उसको भी बराबरी थोड़ा फील हो, ठीक है। तो आपके अगर आप कोई लड़की कोई पोजीशन पे लग रही है ना, तो आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही, आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि या वो कोई पोजीशन पे है, शी डिजर्व दैट, इसीलिए वो पहुंची है ना। अगर आपको उसे जलन हो रही है तो आप उससे ज़्यादा मेहनत करो, उससे ज़्यादा पोजीशन पे चले जाओ, पर उसकी रिस्पेक्ट तो करो ना। ये चीज़ें मैंने देखी है, जैसे कोई लड़की IAS लगी हो या IPS लगी हो, तो उसको जो उसके जूनियर्स मेल स्टाफ है वो उसको सल्यूट नहीं करेंगे, या जो मतलब जैसे हवलदार पोजीशन पर वो उसको सल्यूट नहीं करेंगे, पर कोई एक हल्की सी रैंक ऊपर सूबेदार लगा हो उसको जरूर सल्यूट करेंगे और उसको सर बोलेंगे।
उनका मानना ही है कि अगर लड़की को सल्यूट किया, उनको मैम बोला, तो हमारी रिस्पेक्ट डाउन होगी। किसी को रिस्पेक्ट देने से खुद की रिस्पेक्ट डाउन नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो अगला भी आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर कोई बुरा बोल रहा है ना, उसको फिर भी आप दो चार बार प्यार से बोलोगे ना, तो उसको ऑटोमेटिकली शर्म आने लगेगी। एक सवाल और है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। एक्चुअली मैं भी बहुत इस बारे में सोचती हूँ कि लड़कियों को खासकर बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, ऐसे बाल होने चाहिए, ये कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, एक सर्टेन डेफिनेशन होती है कि तुम लड़की जैसी ऐसे तब लगोगी जब ये करोगी। आपके अनुभव में रहा है या आपको कैसा लगता है कि क्या लड़की सिर्फ कपड़ों से, लंबे बालों से होती है, या लड़की होने के कुछ और गुण हैं, आपको ऐसा लगता है? ये मैंने पर्सनली फील किया है, क्योंकि अभी मैंने 2 साल हुए बाल बढ़ाए हैं, प्रॉपर बॉय कट रखा था, तो मेरे बाल इतने लंबे थे। तो मेरे घर वालों ने कंडीशन रखी थी कि अगर प्लस टू में डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन आएगी तो आप बाल कटवा सकते हो। तो आई फुलफिल दैट, तो उन्होंने मेरे को मेरे बाल कटवाने दिए, मैंने बॉय कट करवा लिया। तो मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने बोला हमारी लड़की, उसकी चॉइस, वो जैसे रहना चाहती है हम रहने देंगे, बाकी उसको, उनको बोलते हैं ये तो लड़की लगती ही नहीं है। मेरे खुद के दोस्त बोलते हैं, मैं 12 लड़कों के ग्रुप में अकेली लड़की हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, उन सारों के ग्रुप में मैं अकेली लड़की हूँ, तो वो मुझे खुद बोलते हैं कि तू लड़की जैसी लगती ही नहीं है, तुझे हम लड़की कैसे। तो मैंने बोला लड़की जैसी लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सूट डालूं, मेरे बाल लंबे हो, मैं अंदर से लड़की हूँ ना, तो दैट्स इनफ फॉर मी टू बी अ गर्ल। गर्ल इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हर हेयर और क्लोथ, वो अंदर से एक लड़की है और वो अपने आप को लड़की मान रही है, तो भाई वो लड़की है। उसको जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग होते कौन हो उसको कुछ बोलने वाले। यानी हम डिफाइन करना चाहिए कि अंदर से लड़की है, कोई भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उर्फी जावेद है, ठीक है, सभी उस पर कमेंट्स करते हैं कि वो ऐसे कपड़े डालती है, वो वैसे कपड़े डालती है, उसने आप में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो इतनी अच्छी है ना, आप लोगों को सिर्फ उसकी एक साइड दिखती है कि वो ऐसे कपड़े डालती है, वो उसकी चॉइस है, आप लोगों में हिम्मत है तो आप डाल के चले जाओ। आप लोगों को ये नहीं दिखता कि उसने फैमिली बैकग्राउंड में कितना सहा है, वो इतना सहने के बाद उसकी इतनी हिम्मत है, वो इतनी गालियाँ सुन के सभी के सामने की, और तीसरा उसके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी वो लोगों की इतनी हेल्प करती है ना वो लड़की, मतलब उसने कभी किसी के लिए गलत वर्ड्स नहीं यूज़ किए, वो वर्ड्स यूज करती है उल्टे, पर वो किसी और को नहीं डेडिकेट करती वो वर्ड्स, वो उसकी लैंग्वेज के पार्ट है, पर वो किसी और से बात करती है तो उसका वे ऑफ टॉकिंग इतना बढ़िया है ना, आप चीज आपको वो नहीं दिखता, बस उसके एक कपड़े, उसका एक कपड़े दिख गए तो मतलब शी इज अ बैड कैरेक्टर। पर शी वॉज क्राइंग लिटरली, उससे किसी ने पूछा था कि आपको, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, वो कहती कि लोगों के अकॉर्डिंग हम जैसी लड़कियों का कोई बॉयफ्रेंड कुछ नहीं हो सकता, तो हम जैसी, ये लड़कियों को फील कौन करवा रहा है, सोसाइटी, तो यह हम जैसी वर्ड ये क्यों करवा रहे हो, इसको हटाना चाहिए ना, हम जैसी को, कितनी तो अच्छी है, उसकी अच्छाइयाँ देख लो। तो ये लोग करते ना 100 अच्छाइयों पे एक बुराई भारी, तो 100 बुराइयों पे एक अच्छाई देखना शुरू कर दोगे तो समाज अपने आप बदल, और लड़कियों के मामले में खास। हाँ, और लड़कियों के मामले में मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ, आखिरी एक, ये दोनों सवाल एक साथ ही है कि पायल के सपनों का देश कैसा होगा, और उस सपनों के देश में पायल का क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी? मेरे सपनों के देश में मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स में ना कोई भी ये ना करे कि हाँ भाई तुम लड़की हो तो तुम घर रहो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो, ये कहीं ना सुनने को मिले। सिर्फ इतना सा जब चेंज आ जाएगा ना तो सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और कोई मतलब किसी को चेंज लाना है ना तो उसको अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। सारे बोलते हैं कि वो नहीं बदल रहा तो मैं क्यों बदलूं, आप बोलो ना मैं बदल रही हूँ तो शायद कभी ना कभी तो वो बदले, इतना सा करोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो मतलब जिसके साथ भी बुरा हो रहा है, जैसे अभी इस टाइम पे रेप केस के बारे में चल रहा है कि पिछले ना 13 दिनों के अंदर 16 से 17 रेप केस के बारे में आ गया, एक माइनर बच्ची का, 3-4 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया, तो प्लीज़ उनको भी सेफ फील करवाओ, वो भी तो कुछ है ना। आप लोग अगर वो सेफ तब होंगी ना तब आप लोगों को थोड़ा सा ये होगा कि वो भी एग्जिस्ट करती है, आप उनका अस्तित्व भी ख़त्म कर रहे हो। और जिनके साथ बुरा हो रहा है ना उनको ये नहीं डरना चाहिए कि हाँ मेरी बेइज्जती होगी, बेइज्जती करने वाला कौन है, समाज,
जस्ट इग्नोर देम। आप अपने लिए तो आवाज़ उठाओ ना कि हाँ मेरे साथ बुरा हो रहा है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल कोई और आके दबाएगा, परसों कोई और आएगा। और चलो आपके साथ एक बार हो गया, बाद में नहीं होगा, पर वो बंदा जिसने आपके साथ बुरा किया है वो कल किसी और लड़की के साथ करेगा। अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए आवाज़ उठाना सीखो। और इतना सा होगा ना तो मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत हैं ऐसे, मुझे ये है वो खुद नहीं बोलना चाहते बट मुझे इतना फील हो रहा है कि हाँ मैं उनके जाके बारे में बोलूँ, बट आई डोंट हैव अ सॉलिड एविडेंस तो कि मैं जाके बोलूँ। मुझे पता है इसमें मेरा भी नाम खराब होगा, मेरे पे भी लोग बहुत बोलेंगे ब्ला ब्ला ब्ला, तो बट आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि आई नो ना व्हाट आई एम, माय फैमिली नो व्हाट आई एम, और आई एम हैप्पी विद दैट। क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, लोग अपने आप को हमारे लिए नहीं बदल रहे, हम अपने आप को लोगों के लिए नहीं बदलेंगे। सो इतना सा ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो वही सभी का साथ होगा तो ही। तो यानी पायल के सपनों के भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए बिना जजमेंट की बराबरी की जगह होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आजकल जजमेंट बहुत करते हैं ना लोग, देख लिया तो। अब मैं और मेरा भाई है, मैं उसके पीछे बाइक पे बैठती हूँ ना, तो मैं उसको हग करके बैठती हूँ, मेरी आदत है उसको हग करके बैठने की। तो मेरे क्लास वालों ने मुझसे पूछ लिया कि इज ही इज योर बॉयफ्रेंड। मैं क्या यार किस एंगल से वो मेरा बॉयफ्रेंड है कि तू उसको हग करके बैठी है। मैं क्या हग करके बैठी हूँ, दैट डजेंट मीन कि ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, वो मेरा भाई हो सकता है। अगर वो कोई भी हो, तुम लोग जज क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे मन में डाउट है तो तुम सीधा ये पूछ सकते हो ना कि हु इज ही। करेक्ट। बट कोई जजमेंट पास कर देना अपनी तरफ से, दैट्स नॉट राइट ना। अगर एक बंदा जजमेंट पास कर देता ना, वो चाहे सही हो चाहे नहीं हो, अगर वो नेगेटिव वे में होगी ना तो वो ऐसे स्पीड से फैलेगी ना जैसे पता नहीं क्या है, और अगर पॉजिटिव वे में होगी ना तो वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो नेगेटिव चीज़ों को सेपरेट करना कम करो, पॉजिटिव को करो, तभी कुछ चेंज आएगा। ठीक है पायल, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी आपने जो बातें करी उससे ये एक लब्बो लुआव निकल के सामने आता है कि जो यंग बच्चियां हैं वो अब बस हो गया वाले हम जोन में है कि अब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, है ना, और हमारी आइडेंटिटी हो, हमारी चॉइसेस हो, उसको कोई और कंट्रोल ना करिए हम चाहते हैं। क्या मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ये सिखाया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी थोड़ा बच्चों को सपोर्ट करेंगे ना तो होगा। अब मेरे पेरेंट्स ने ना मुझ पर वो कंट्रोल करते हैं, उनका सिर्फ इतना है कि हाँ तू जो करेगी बस तू सही कर, हम तेरे साथ, अगर तू गलत भी करेगी, तू डगमगाएगी तो भी हम तेरे साथ करें। ठीक है, बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू।